उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन आज सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए हुई स्थगित। सदन में वित्तीय वर्ष 2019-20 का प्रथम अनुपूरक बजट हुआ पेश। बजट में कुल 2,533 रुपए और 9 करोड़ की गई व्यवस्था। नैनीताल हाईकोर्ट ने 60% से कम डेंसिटी वाले क्षेत्रों को वन क्षेत्र नहीं मानने की याचिका पर की सुनवाई। कोर्ट ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार से मांगा जवाब, 2 जनवरी तक जवाब पेश करने के दिए आदेश। विकासनगर में चोरों ने बंद पड़े मकान को बनाया निशाना। जेवरात और इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर हुए फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुरा। भाई, रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। तेलंगाना में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी सभी 4 लोग पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए। तो वहीं पुलिस के इस सराहनीय प्रयास का पूरे देश भर में लोगों ने जश्न मनाया और इसे सही ठहराया है। खुशी जताते हुए लोगों का कहना है कि दुष्कर्म के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। वहीं राजधानी देहरादून में भी हैदराबाद की पुलिस द्वारा हुए एनकाउंटर के बाद से लोगों में खुशी है। उनका मानना है कि अब जाकर सही मायनों में पीड़ित डॉक्टर के परिजनों को इंसाफ मिला। के साथ हुए रेप के दोषियों को आज हैदराबाद पुलिस ने एनकाउंटर में मार डाला है और यहाँ पर पूरे देश भर में इसको लेकर खुशी है। इस वक्त हम राजधानी देहरादून के MKP कॉलेज में हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लड़कियाँ हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो जो पुलिस ने एनकाउंटर आज सुबह जो किया है उस फैसले का कितना वो सराहनीय मानते हैं। आप जो आज सुबह आपको जानकारी होगी पुलिस ने एनकाउंटर किया है चारों जो दोषी थे रेप के, तो इस आप अपनी नज़र से कितना सही मानते हैं इस फैसले को? मैं इसको अपने नज़रिए से बहुत सही मानती हूँ, क्योंकि इससे आगे जो क्राइम होंगे इससे मतलब जो आगे जो क्राइम करेंगे उनको थोड़ा सा तो डर महसूस होगा, वरना तो मतलब इससे उन्हें बहुत अच्छा सबक मिलेगा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि बहुत सही हुआ उनके साथ जो इनकाउंटर करा पुलिस ने, बहुत सही करा। यहाँ पे हमारे साथ और भी लड़कियाँ हैं, उनसे जानते हैं कि वो पुलिस के इस फैसले को कितना सही ठहराते हैं। जी, जो पुलिस ने आज एनकाउंटर करा है आपने सुना ही होगा, तो आप इसको कितना सही मानते हैं? सही है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा। एटलीस्ट इनको आगे के लिए डर तो रहेगा, जो आगे भी मतलब ऐसा सोचते हैं। काफ़ी लड़के ऐसे भी होते हैं जो अभी इस टाइम पे तो बोल रहे हैं कि हाँ लड़कियाँ कपड़े छोटे पहनती है या कुछ भी रीज़न दे रहे हैं रेप का। एटलीस्ट जो जिनके दिमाग में ये बात आ भी है रीज़न कि रेप का रीज़न ये है, वो भी कहीं ना कहीं रेप की कर सकते हैं आगे। उनके दिमाग में जब ये बात आ रही थी वो भी कल्प्रिट ही है, तो बहुत अच्छा हुआ है उनको अगर गोली मारी है। अगर पुलिस ये चीज़ थोड़ा पहले और करती तो ज़्यादा बेटर होता, इतना प्रोटेस्ट तो सब चीज़ नहीं होता। क्या आपको लगता है कि जो पुलिस ने एनकाउंटर किया है उसमें थोड़ा देरी हुई है, ये काम पहले ही कर देना चाहिए था? जी हाँ, बहुत देरी हुई है और मुझे तो लगता है कि अभी भी उन्हें कम मतलब और अच्छे से ना उन्हें जलाना चाहिए थे, जिस तरीके से उन्होंने और एक औरत के साथ किया है उन्हें मतलब जला के जिस तरीके से उसने वो तड़पी है उन्हें भी तड़पाना चाहिए था। राजधानी देहरादून में आप रहती हैं और आप यहाँ पर अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? जी अभी तो क्या बोलें, अभी जो भी हमारा जो अभी रिज़ल्ट आया है उससे जो करा है उन्होंने लोगों को श्रद्धा दी है काउंसिल जो भी करा है उससे, अभी ये है कि सुरक्षा तो नहीं मान सकते कि हमें सुरक्षा हुई है वगैरह ये, पर ये है कि हाँ जो दिमाग लोगों के दिमाग में है कि चलो ठीक है एक बार कि क्या अभी आगे भी होने चाहिए चीज़, ताकि लोगों को जो इनकाउंटर ऐसा होना चाहिए ताकि ये आगे ना हो लोग लड़कियों को, जो अभी एक और कानून भी आया है ताकि उनको ये दिया गया है कि अगर उनका ऐसा कुछ रेप वगैरह हो रहा है तो वो इंसान जो है इंसान को अपना को प्रोटेक्ट कर सकती है या फिर उसे मार सकती है, तो ऐसे और कानून बनने चाहिए ताकि लड़की अपनी सेफ्टी में कर सके। तो यहाँ पर मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, लोगों में खुशी है और जो दोषी थे रेपिस्ट उनको कड़ी जो सजा एनकाउंटर पुलिस ने किया वो सराहनीय कदम है। देहरादून से अपने कैमरा पर्सन रिंकू के साथ मैं प्रियंका, न्यूज इंडिया। तो वही नैनीताल के भीमताल में किरोली के पास बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिसमें रोडवेज बस के पलट जाने के कारण हल्द्वानी नैनीताल मार्ग पर कई घंटों तक जाम लगा रहा। तो वही इस हादसे में सवारियों को चोटें भी आई हैं। जानकारों के मुताबिक बस जंगलिया गांव से हल्द्वानी की ओर जा रही थी, वही इस दौरान ट्रक के पीछे आ रही इनोवा कार और एक बाइक भी ट्रक से टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गई।
सारी चलती है रोडवेज वाली की, ठीक है। पहले रोडवेज की बस पलटी, पलट के बाद ट्रक में आई, ट्रक से सीधे मेरे इनोवा में लगी, मेरी इनोवा सीधे पीछे पिकअप में लगी। हम तो मौत के मुंह से नीचे, मतलब जान बच गई लाखों पाए। अगर देखा इसमें अगर देखा जाए तो सारी गलती है रोडवेज वाली। रोडवेज इतनी स्पीड में है कि आप उस घटना को अगर देखते तो आप भी घबरा जाते। ट्रक में हो गई थी भिड़ंत, ट्रक सबला नहीं है, बैक साइड आया पूरा ही, चार पांच गाड़ी लेके आया एक साथ ही, पीछे को है। अब हमारा कोई चांस था नहीं इसमें, गाड़ी तो पहुंची गई थी, सामने गाड़ी घुमाई तब जाके पीछे निकला। अगर गाड़ी में बैठा रहता तो मुश्किल था फिर बचना। इसमें थे क्या था? मैं बाइक में था, तो मोड़ ऊपर से गाड़ी आ रही थी ना, नीचे से ट्रक वाले जा रहे थे, दोनों में भिड़ंत हो गई। ऊपर जगह कम थी, इसमें पास में पाया तो ट्रक सबला नहीं है, चढ़ाई पर था तो बैक मार दिया उसने, पूरा बैक लेके आया, जितनी गाड़ियां थी सभी आई समेट। कोई बचने का चांस था ही नहीं उधर किसी को भी, वो तो सही हुआ कि स्ट्रिंग उन्होंने काटा नहीं, साइड में लिया, बच गई, नहीं तो सब नीचे जाने वाले थे। शराब का कारोबार दिन प्रतिदिन आपको बता दें कि बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर आबकारी विभाग की टीम ने शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, जहां टीम ने 300 लीटर शराब बरामद की और 30,000 लहन को भी नष्ट करवा दिया। आपको बता दें कि काशीपुर में आबकारी विभाग को लगातार कच्ची शराब की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद कुमाऊं मंडल परिवर्तन दल, रुद्रपुर, बाजपुर और काशीपुर की संयुक्त टीम ने छापेमारी अभियान चलाया, जहां टीम ने खाईखेड़ा, महुआखेड़ा, गंज समेत कई जगहों पर छापेमारी की और अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आज खाईखेड़ा में लगभग 350-400 लीटर शराब पकड़ी और कम से कम 30,000 केजी लहन मौके पर नष्ट किया गया है, और एक कटैया में एक अभियोग भी दर्ज किया गया है, जिसमें पूरी प्रवर्तन दल गढ़वाल कुमाऊं मंडल, आपका बाजपुर की टीम, ITI थाना पुलिस की टीम, पैगा चौकी की टीम, सब लोग शामिल होकर सबने संयुक्त दबिश करके इस कार्रवाई को आगे भी अभी भी हम यहाँ पर आए हैं, अभी कोई शिकायत थी इसको देख रहे हैं, इसके बाद रामपुरे जाना है, तो जहाँ जहाँ जो जो अड्डे हैं, संदिग्ध अड्डे हैं या जहाँ पर वो होती है, वहाँ पर लगातार दबिशों का कार्यक्रम हमारा चलता ही रहता है। तो ये सबकी योजना सबका विकास के तहत मिशन अंत्योदय सर्वे एवं GPDP निर्माण कार्य को लेकर शुक्रवार को आयुक्त सभागार पौड़ी में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्बयाल ने सभी वीडियो को सर्वेक्षण के कार्य को तेजी के साथ संपन्न करने के निर्देश दिए। तो वही कार्यशाला में आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने कहा कि गांव के विकास के लिए शुरू किया गया मिशन अंत्योदय के तहत सभी ग्राम सभाओं की योजनाएं, सुविधाएं और आर्थिक आजीविका को ध्यान में रखते हुए सर्वे का कार्य शुरू किया जाए। आपको बता दें कि यह सर्वे दिसंबर माह के पहले हफ्ते से लेकर 2 मार्च 2020 तक संचालित होगा, जिसमें जनपद की सभी 1174 ग्राम सभाओं में सर्वे किया जाएगा। होना है आपका जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम बनना है, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है, तो उसमें हमारे जितने 1174 हमारी ग्राम सभाएं हैं और लगभग 3400 के करीब हमारे राज्यों से मिले, इनमें सर्वेयर के माध्यम से सर्वे होना है। जो 29 पॉइंट हैं जो गाइडलाइंस हमारे दिए हैं भारत सरकार द्वारा, कि उन 29 पॉइंटों पर सर्वे होना है कि प्रत्येक रेवेन्यू विलेज में, ग्राम पंचायत स्तर में, कि जितने भी सरकारी योजनाएँ, जो सुविधाएँ हमारी जनता या जो अवेयर कर रही है उसमें, और जो प्लानिंग हमारी होती है उसमें क्या गैप रहता है। जब ये सर्वे हो जाएगा तो फिर ग्राम सभा की एक बैठक होगी, उस बैठक में वो चर्चा होगी कि इन सर्वे में जो तथ्य आए और ग्राम सभा की जो वास्तविक स्थिति है उसमें क्या गैप्स आ रहे हैं, उन गैप्स को कैसे फुलफिल करना है, वो अपने ग्राम सभा की बैठक में जो नवनिर्वाचित हमारे ग्राम प्रधान हैं उनके ग्राम सभा की बैठक में वो देखा जाएगा कि किन किन सेक्टर में गैप आ रहे हैं। तो वही हैदराबाद गैंगरेप के चारों आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, जिसकी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सराहना की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वर्दी पर हमला करना का हक किसी को नहीं है और वर्दी पर हमला करने वालों का हश्र यही होना चाहिए। तो वही मानव अधिकार के हनन का आरोप लगाने वालों को मुख्यमंत्री ने कहा कि समय समय पर इस तरह के विरोध होते रहे, लेकिन पुलिस ने जो किया वो सही किया।
ऐसा लगता है कि पहले तो चोरी फिर सीना चोरी, पहले तो बलात्कार किया गया फिर एक मासूम महिला की हत्या कर दी गई और साक्ष्य भी छुपाने की कोशिश की गई अपराधी के द्वारा और फिर पुलिस पर हमला किया गया। कोई तो चोरी सीना चोरी जैसी बात है और पुलिस पर अगर कोई हमला करता है तो पुलिस को अधिकार है कि वो उनको एनकाउंटर करे। वर्दी पर किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वर्दी पर वो अटैक करें। इससे जो बदमाश किस्म के लोग हैं, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, ऋषिकेश के हरिपुर कला इंटर कॉलेज में एक दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया जिसमें 550 लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य शिविर TSDC के सहयोग से आयोजित किया गया था। तो वहीं शिविर में लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी की गई और लोगों को मौसमी बीमारियों से बचने के बारे में जानकारी दी गई। सर, ये TSD द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत ये कैंप लगाए जा रहे हैं। अभी तक हमने इसमें 8 कैंप कर दिए हैं। यह आज जो हमारा 8वां कैंप है ये ग्रामीण क्षेत्र में लगाया गया है जो कि बहुत ही सफल रहा है और हमारी कोशिश रहेगी आगे कि हम इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य कैंप भी आयोजित करें। अभी फिलहाल तक कितने मरीजों को यहाँ पर देख रहे हैं? यहाँ पे करीबन 500 से ज़्यादा मरीज को अभी तक देखा गया है जो कि अभी लगातार चल रहे हैं। वही विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने महंगाई व गन्ना किसानों की मांग को लेकर सरकार पर हमला किया था। सदन में उपनेता करण महारा सरकार को सड़क मार्गों की खस्ता हालत पर भी घेरते दिखे। ऐसे ही अन्य मुद्दों को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता आशीष बडोला ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से की खास बातचीत। दूसरे दिन का सत्र भी स्थगित हो चला है और इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज गन्ना किसानों को लेकर विपक्ष काफ़ी हमलावर रहा, किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, पहली बार हमारी सरकार ने जितने भी सरकारी गन्ना मिले हैं 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा उनको दिया है और सभी किसानों का पेमेंट हो चुका है। लेकिन जो प्राइवेट मिल हैं उन मिलों की दिक्कत है और प्राइवेट मिलों के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है कोऑपरेटिव विभाग से उनको 36 करोड़ रुपये दिया है। तो मुझे लगता है कि पहली बार सरकार ने जो किसान हैं, गन्ना किसान हैं, उनके लिए बड़ी राहत दी है और इतने राहत आज तक की कभी भी सरकारों ने नहीं दी थी। सर, सदन में विधायक करण महारा भी सड़कों को लेकर काफ़ी हल्ला बोल कराए सरकार के ऊपर और अन्य विधायकों ने सड़क मार्गों की बात उठाई है, क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक सड़कों का सवाल है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने 10-10 करोड़ रुपए प्रत्येक विधायक को हर साल जो है सड़कों के लिए रुपए दिए हैं और सड़कों का प्रस्ताव जो है विधायकों की तरफ से आता है, फिर विभाग की तरफ से आता है, फिर वन विभाग की जो है उसमें NOC होती है। तो मुझे लगता है कि जिन जिन विधायकों ने प्रस्ताव दिए हैं उनकी NOC आ गई, उनको जो है पैसा मुक्त हो गया है। अब जो विधायकों ने समय पर प्रस्ताव नहीं दिए होंगे तो मुझे लगता है कि इस नए सत्र में उनके प्रस्ताव और टेक ओवर हो जाएंगे। लेकिन पहली बार जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विधायक को 10-10 करोड़ रुपए जो है सड़कों के लिए दिए हैं। इस बार विधानसभा सत्र के दौरान रुड़की कोर कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा मिल पाएगा सर? उसको काफ़ी टाइम से बात चल रही है उसकी। देखिए, जहाँ तक निजी विश्वविद्यालयों की बात है तो जो भी विश्वविद्यालय बनने होते हैं वो विधायक से, कार्मिक से, हमारे विभाग से, जब वो फाइल पूरी आ जाएगी, कैबिनेट में आएगी, कैबिनेट के बाद ही जो है कोई भी विश्वविद्यालय हो या एक्ट हो कैबिनेट में आने के बाद ही उस पर अंतिम मोहर लगती है। तो मुझे लगता है कि जब आ जाएंगे तो निश्चित रूप से जो है हम उसको कर देंगे। लेकिन अगर विधि और उसके बाद होगा तो हो सकता है कि अगले सत्र में भी आ सकते हैं। सर, अनुपूरक बजट भी पेश हुआ है, क्या कहना है सर? देखिए, अनुपूरक बजट में सड़कों से लेके, स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके हर विभागों को पैसा मिला है। मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने, चाहे गरीब किसान की बात हो, चाहे किसी छात्र की बात हो, चाहे महिलाओं के, हर क्षेत्र में और हर विभाग को इस बार पैसा मिला है और जल्दी अब वो काम भी, जो अधूरे काम थे, पूरे हो जाएंगे।
न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी, जिनका कहना है कि अनुपूरक बजट के तहत सभी विकास कार्यों को अंजाम दिया जाएगा और जितने भी जो रुके कार्य हैं उनको भी पूर्ण किया जाएगा। कैमरा पर्सन सलमान कुरैशी के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए आशीष बड़ोला। तो उत्तराखंड सरकार इस बार शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार श्राइन बोर्ड का प्रस्ताव ला सकती है। उम्मीद की जा रही है कि श्राइन बोर्ड का प्रस्ताव पारित हो जाए, लेकिन चारधाम से जुड़े तीर्थ पुरोहित श्राइन बोर्ड का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार मनमाने तरीके से बोर्ड का गठन करवाना चाहती है, जिससे पुरोहितों के हक हकूकों का दमन हो रहा है। इसी मामले में न्यूज इंडिया संवाददाता आशीष बडोला ने तीर्थ पुरोहितों से की सीधी बातचीत। बोलते रहे ना कहां कहां से, और उसके बाद अपनी बात का जवाब देते रहे। नाम जरूर बोलना है आपसे। सितारगंज में एक जेल उत्तराखंड के विकास नगर में चोरों ने बंद पड़े एक मकान को अपना निशाना बनाया, जहां चोरों ने घर में रखे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान सहित जेवरात भी चुरा लिए। घटना डाकपत्थर रोड स्थित दुर्गा मंदिर की गली की है, जहां मामले की सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंगलवार को आई थी और शाम को मैं चली गई अपने मम्मी पापा के घर, और जितने को आज मैं आई थर्सडे को आज आई मैं, और मेरे घर में ताला टूटा हुआ था अंदर का, और सामान भी LCD लैपटॉप और मंगलसूत्र और चांदी की कुछ ज्वेलरी वो गायब हो रही थी। डोईवाला में विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच और ABVP ने हैदराबाद कांड की घटना को लेकर प्रदर्शन किया और SDM को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। तो विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन गन्ना किसानों के बकाया धनराशि का मामला सदन से लेकर सड़क तक गूंजता रहा। सदन में बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल ने गन्ना किसानों की बात को उठाते हुए कहा कि सरकार को गन्ना किसानों का बकाया समय से देना चाहिए। तो वहीं सदन के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने समर्थकों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हक को मार रही है और सरकार को किसानों का करोड़ों का बकाया जल्द अदा करना चाहिए। पिछले साल का जो सत्र था उसका भी बकाया है, सभी चीनी मिलों पर लगभग, यहाँ तक कि डोईवाला चीनी मिल पर भी बकाया है, और इकबालपुर और एकाध और चीनी मिल पर उसके पिछले साल का भी बकाया है, और सरकार काली मातम पुरुषी के तौर पर कुछ पैसा कभी कभी रिलीज कर रही है और किसान हताश है। और इस वर्ष पेराई सत्र शुरू हो चुका, मिलें चालू हो चुकी हैं, लेकिन खरीद मूल्य घोषित नहीं किया गया है, तौल केंद्र प्रारंभ नहीं हुए हैं, किसान मजबूर होकर के अपने गन्ने को चरखियों में बेच रहा है, क्रेशर्स में बेच रहा है, 180-185 के करीब में बेच रहा है। आप अंदाज लगा सकते हैं किसान कितना निराश है इस समय, क्या हालत में है, और राज्य के बाहर से गन्ना ला करके चीनी मिलें खरीद रही हैं औने पौने दाम पर, वहाँ के किसानों को भी धोखा हो रहा है और उत्तराखंड के किसानों का हक मर रहा है। और ये स्थिति इन्होंने धान के खरीद में भी की, तब भी लोगों ने औने पौने दाम पर बेचा, और अब गन्ने को भी औने पौने दाम पर बेचना पड़ रहा है। मैं किसानों की जो डिमांड है, किसान जो एक साल से धरने पर बैठे हैं, 218 करोड़ रुपये किसानों की इकबालपुर शुगर मिल पर बकाया है, जो बहुत बड़ी बकाया है, और मिल मालिक, मिल प्रबंधन उनके उस पैसे का ब्याज भी खा रहा है। तो मैंने किसानों की मांग को विधानसभा में रखा कि जो मिल प्रबंधन है, मिल मालिक है, मालकिन है, उसके विरुद्ध रिकवरी वारंट लेकर के उसे 14 दिन के लिए हिरासत में डाला जाए, जेल में डाला जाए। गन्ना किसानों की मांग है कि जो मिल की चल अचल संपत्ति है, जैसे सीरा, चीनी,
और जो उसकी मशीनरी है मिल की, उसे बेच करके उसकी जो संपत्ति अचल संपत्ति जमीन जायदाद है 500 बीघा जायदाद है उसको बेच करके 218 करोड़ रुपए की बकाया किसानों की दी जाए, और जो गन्ना किसानों का खड़ा है, जो बराबर के मिल है लिबरेडी मिल और लक्सर मिल, वहाँ पर जो है उनके गन्ने को बेचे। तो वे नैनीताल के एसडीएम विनोद कुमार ने भूस्खलन प्रभावित बलिया नाले का दौरा किया, जहां उनके साथ देहरादून से आए इंजीनियर भी मौजूद रहे। आपको बता दें, मैपिंग के जरिए उप जिलाधिकारी को क्षेत्र की संवेदनशीलता से अवगत कराया गया। बलिया नाले क्षेत्र में होने वाले भूस्खलन को रोकने के लिए जापान की एक कंपनी जायका स्थलीय सर्वेक्षण कर भूमि की स्टेबिलिटी चेक कर रही है, जिसे लेकर उप जिलाधिकारी ने कहा कि जापान की कंपनी जायका और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें निर्देश देकर कार्य शुरू किया जाएगा। अभी एक जो बलिया नाला के ट्रीटमेंट को लेके एक जायका जो कंपनी है उसके द्वारा सर्वे किया गया था, और विशेष सर्वे किया गया और उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को प्रेजेंट की है। तो उनके द्वारा जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं ट्रीटमेंट के, उस ट्रीटमेंट के ऑप्शन का परीक्षण करने के लिए शासन के द्वारा एक हाई पावर कमेटी यहाँ पर भेजी गई है। आज उस जायका की टीम के साथ उन जो तीन विकल्प उनके द्वारा दिए गए हैं उनका स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है, और उसके बाद एक रिपोर्ट शासन में सबमिट होनी है। हाँ, जो ये अभी तीन विकल्प उनके द्वारा दिए गए हैं कि कौन सा बेहतर विकल्प हो सकता है, इसका चयन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाना है और उसी के लिए स्थलीय परीक्षण किया जाए। तो वही त्रिवेंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश कर दिया है, जहां अनुपूरक बजट में कुल 2,533.9 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अनुपूरक बजट की राजस्व मद में 1,606.33 करोड़ और पूंजीगत मध्य में 927.56 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही बजट में वेतन के लिए कुल 166.65 करोड़ और पेंशन आदि मदों में 37.18 करोड़ का प्रावधान किया गया। क्योंकि इस बार कुछ हमने नई मद प्रारंभ की है, और जो बजट आज यहां पर अनुपूरक बजट रखा गया है, ये 2,533.90 करोड़ का ये बजट आज यहाँ पर रखा गया है, और जिसमें राजस्व मद में 1,606 करोड़ और पूंजीगत मद में 927 करोड़ रुपया, वेतन की मद में 166.65 करोड़ और पेंशन आदि में 37.38 करोड़ रुपया इसमें प्रावधान किया गया है। जो पेयजल एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना है, इसमें 70 करोड़ का प्रावधान किया गया है, और जो केंद्रीय सहायतित योजनाओं के अंतर्गत 848.11 लाख करोड़ का ये प्रावधान किया गया है। जो BADP जो योजना है, सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसमें 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बार राजधानी की जो यातायात व्यवस्था है उसको व्यवस्थित करने की दृष्टि से हमने कुछ इंटरसेप्टर वाहन ये खरीदने का तय किया है। 1 करोड़ का प्रावधान किया गया, 1 करोड़ रुपए इसमें और आगे दिया जाएगा। इस तरह से कुल 2 करोड़ का प्रावधान इसके लिए किया गया है, ताकि राजधानी की जो सड़कों पर जो दिक्कतें होती हैं यातायात की, उन दिक्कतों से निजात पाई जा सके। जेल निर्माण के लिए ये 10 करोड़ का भी प्रावधान किया गया है, और टोटल 20 करोड़ रुपया ये सितारगंज में एक जेल बनाने के लिए दिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।